भारत जैसे बड़े देश में फेसबुक का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की 125 करोड़ आबादी में एक रिपोर्ट के अनुसार हर छठा व्यक्ति फेसबुक चलाता है, यानी लगभग 20 करोड़ भारतीय नागरिक फेसबुक के यूजर हैं। बहुत बड़ी संख्या है। फेसबुक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। फेसबुक अकाउंट अब लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है। आम आदमी की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन सेलिब्रिटी लोगों के लिए ये बहुत काम की चीज है। सिनेमा जगत ने इसको प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया है, तो वहीं खेल खिलाड़ी भी इससे जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों भी जुड़े और उन्होंने अपने पेज बनाने शुरू करे, जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि वो अपने नेता से सीधे जुड़ गए हैं। कई सारी पार्टियां तो चुनाव में टिकट ही जब दे रही हैं, जब फेसबुक पर फैंस फॉलोइंग ज्यादा से ज्यादा हो। फेसबुक ने भारतीय राजनीतिज्ञों के पेज पर कड़ी नजर रखते हुए ये देखा कि सबसे ज्यादा भारत में मशहूर और आम आदमी से जुड़ा लोकसभा और राज्यसभा सांसद कौन है। फेसबुक ने ये सर्वे 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच किया, जिसमें राज्यसभा सांसदों में पहले नंबर पर क्रिकेट जगत भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम है, दूसरे नंबर पर आरके सिन्हा, तीसरे नंबर पर अमित शाह का नंबर आता है। इसी प्रकार से लोकसभा सांसदों में पहले नंबर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तीसरे नंबर पर पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान का नाम आता है। फेसबुक के इन तमाम फेसबुक पेज को अवार्ड दिया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जानकारी अपने फेसबुक पर शेयर करते हुए अपने आईटी सेल को इसके लिए धन्यवाद किया है। ओवैसी ने लिखा है कि कशफ और एएमआईएम के अन्य सहायक सदस्यों के लिए धन्यवाद। हमें अभी बहुत सफर तय करना है और इसमें और ज्यादा काम करके सुधार लाना है, ताकि हम प्रभावी रूप से आने वाले संसदीय चुनावों में प्रभावी रूप से एएमआईएम के संदेश का संवाद कर सके। फेसबुक ने असदुद्दीन ओवैसी को सेकंड बेस्ट फेसबुक पेज का अवार्ड दिया है और असदुद्दीन ओवैसी के फेसबुक पेज का नंबर भारत में टॉप 3 लोकसभा सांसदों में शुमार है। असदुद्दीन ओवैसी के फेसबुक पेज से लगभग 24 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ओवैसी देश में बड़ी ताकत बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।